तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपने हैंडल का रिव्यू। हैंडल बार से ना मुझे हाईवे पे भी दर्द हुआ है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश मोटो ब्लॉग में। काफी दिनों बाद ये मोटो ब्लॉग, तो भाई आप समझ गए होंगे टाइटल को देख के, मोटो ब्लॉग नहीं है, एक तरीके से ये रिव्यू है। और रिव्यू अगर मुझे हैंडल का करना हो है तो शायद भाई मोटो ब्लॉग से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि चलाते चलाते मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ और क्या बेस्ट पार्ट हैं क्या बेकार पार्ट हैं वो भी बता सकता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख लो, बस स्टैंड के रोड पे हूँ मैं और यहाँ पे लग रखा है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक। ये बसेस वगैरह होती है ना तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मैशी मैशी सा लगता है यहाँ पर। और आज है सैटरडे भाई, आज अनफॉर्चुनेटली ऑफिस जाना है तो शोरूम तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए सोचा आज मोटो ब्लॉग पर ही वीडियो बना ली जाए। और काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे ऑलरेडी, ऑलमोस्ट वन मंथ के आसपास हो गया है मुझे अपना हैंडल चेंज कराए हुए। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपने हैंडल का रिव्यू चेंज होने के बाद से कैसा है। तो जब से मैंने पल्सर N160 खरीदी है ना, तब से मुझे एक ही इशू लगा है इसमें, वो है इसका हैंडल बार, जो कि मुझे बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं लगा इन ट्रैफिक। अगर लॉन्ग राइड्स की बात करूं या लॉन्ग हाईवेज़ की बात करूं, उस कंडीशन में तो ठीक था, बट सिटीज़ के हिसाब से जो उसका पहला स्टॉक हैंडल है ना, अभी भी वही आ रहा है और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। N250 में भी सेम हैंडल बार है। जिस जिसके पास N250 वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि भाई आपको कैसा कम्फर्ट लगता है इसका ट्रैफिक में। वैसे इस कंडीशन का ट्रैफिक है ना, इस कंडीशन में आपको कैसा होता है, फील होता है कोई पेन पाम में, शोल्डर में, एल्बो में, कहीं भी, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो आपने अगर वो हैंडल चेंज बार हैंडल बार वाली वीडियो नहीं देखी ना तो आप जाके चेकआउट कर लो। हैंडल बार मैंने अभी के कंडीशन में लगवा रखा है भाई, FZ 250 BS6 का। और सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है ना मुझे इसी कंडीशन में होता है, जैसे अभी ये हैंडल है ना, अभी ट्रैफिक है, इतने ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मोड़ने तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, टर्न रेशियो तो ऑलरेडी कम है N160 का, जैसा कि आपको पता ही है। बट मैंने सुना है कि जो ज़्यादा सीसी की बाइक्स होती हैं या ठीक ठाक बाइक हैं, स्पोर्ट्स बाइक हैं, उनका टर्न रेशियो हमेशा कम ही रखा रहता है, चाहे वो कोई भी हो। तो आपको जैसे आपने वीडियो में नहीं देखा हो ना, तो आप वीडियो जाके देख लो, आई बटन में आ रही है, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि मैंने कौन सा हैंडल बार कैसे प्रोसेस लगवाया था कैसे नहीं, तो उसकी डिटेल तो आप वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस वीडियो में कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। भाई मैंने आपको उस वीडियो में ही बोलता, मैंने कहा भी हम चला के देखेंगे और कुछ किलोमीटर कुछ दिन इसका रिव्यू करेंगे, अपने आप से एक्सपीरियंस करेंगे कहाँ दर्द होता है कहाँ नहीं, तब बताएँगे। क्योंकि शुरू शुरू में तो मुझे न्यू था तो बिल्कुल अलग था, तो कुछ अलग ही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको यूज़ टू हुआ और जो जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी है ना इस हैंडल बार में, अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को देखना आप एंड तक, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई तो हैंडल बार लगवा लिया था उस टाइम पे, और उस टाइम पे ना मेरे को ये दिक्कत होती कि मेरे इस वाले पाम में ना यहाँ पे बिल्कुल एंड में बहुत ज़्यादा पेन होता था इन ट्रैफिक। लॉन्ग राइड्स या हाईवेज़ की बात अलग है, उसमें नहीं होता था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। राइजर भी लगवाए थे, उससे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फाइनली मैंने ये हैंडल बार चेंज कराया था बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद, कंफर्ट लेवल देखने के बाद। बट मैंने टेस्ट कुछ नहीं किया था पहले, मैंने बस जाके 700 रुपये का हैंडल बार यामा के शोरूम से ख़रीदा था एंड इसको बाहर से फिट कराया 200 रुपये में, तो कॉस्ट अराउंड 900 रुपये की कॉस्ट पड़ी थी। और मतलब जो लुक चाहिए था मुझे, लुक तो वो मिल गया भाई। सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा अलग लुक आ गया था हैंडल का, पहले हैंडल थोड़ा डाउन साइड था, पहले हैंडल इसका ऐसे था, अब इसका हैंडल स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया। बट जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं हुई अभी तक भी। अब बात करता हूँ प्रॉब्लम क्या है, जो इस हैंड का पेन है ना, रिस्ट का जो पाम का जो पेन है, यहाँ पे जो दर्द होता था वो अभी भी एज इट इज़ है। मतलब ट्रैफिक में ना अभी भी वैसे ही दर्द होता है, और इस हैंडल बार से ना मुझे हाईवे पे भी दर्द हुआ है, मतलब थोड़ा सा कम्फर्ट में इशू है। तो आप ध्यान से सुन लो भाई, FZ के साथ मेरे साथ तो कंफर्ट में इशू है, आपने किसी ने लगवाया भाई 250 का हैंडल बार, अगर लगवाया तो भाई कमेंट करके बताना कि आपको कैसा कंफर्ट है। और एग्जैक्टली तो देखो
मॉडल नंबर तो हमें भी नहीं पता होता कि पार्ट का कौन सा पार्ट किस बाइक के लिए है। उन्होंने बोला कि हाँ 250 का है, तो उन्होंने 250 का ही दिया है, तो 250 का ही होगा। वो भी क्यों ऐसा कुछ करेंगे कि अलग पार्ट देंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये दर्द हो क्यों रहा है, या तो मेरा सिटिंग पोस्चर ही ऐसा है या मेरा चलाने का तरीका ऐसा है इसीलिए हो रहा है। क्योंकि जिस बंदे ने ये लगवाया था उसने बहुत सारी लॉन्ग राइड्स करी हैं, ऑफ रोड्स करे हैं इसके साथ, इसी हैंडल FZ 250 के हैंडल बार के साथ, और उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि हाँ भाई कैसा कम्फर्ट है। अब ये तो मालूम नहीं है कि भाई मेरे साथ क्या इशू आ रहा है क्या नहीं, बट जो पेन का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा वैसा का वैसा ही है या थोड़ा बहुत बढ़ गया है, ये मान सकता हूँ। अभी इस कंडीशन में देखो 70 की स्पीड पे बाइक है, इस कंडीशन में आई थिंक ठीक है, कोई दर्द नहीं। लेकिन अभी भी साइड में ना थोड़ा थोड़ा सा दर्द है, मतलब रहता है कुछ ना, जैसे अटपटा सा लगता है कहीं दर्द होना बाइक चलाते हुए, तो थोड़ा सा माइंड में रहता है कि ऐसा और क्या किया जाए जिससे हमारा कंफर्ट लेवल थोड़ा अच्छा हो जाए। तो आप लोगों से जैसे मैंने पहले भी सजेशन लिए थे कि हैंडल बार कौन सा चेंज करूँ, तो आपने बहुत सारे कमेंट किए थे उस वीडियो पे, तो बहुत से लोगों ने कुछ गिने चुने हैंडल सजेस्ट करे थे। और अभी लास्ट कुछ दिन से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि N150 का लगा लो, वो बेस्ट है, बेस्ट फिट रहेगा, और N150 का काफ़ी अच्छा हैंडल है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि N150 की एक टेस्ट राइड लूँ ऑफिशियली, क्या कहते हैं अपना शोरूम से, और उसमें कम्फर्ट लेवल का अपने आप से जज करूँ। और इस बार अगर मैं हैंडल चेंज कुछ भी करवाऊँगा ना, अभी तो चला रहा हूँ ऐसे जब तक चल रही है, बट इस बार जब भी चेंज कराऊँगा ना पहले टेस्ट राइड लूँगा उस बाइक की जिस बाइक का हैंडल मुझे इसमें लगवाना है। मैं तो सोचता हूँ कभी MT का लगवा लूँ, MT की टेस्ट ड्राइव ले लूँ। MT का मैंने चलाया हुआ राइड रिव्यू दिया है इसलिए मेरे को MT का हैंडल बहुत अच्छा लगा है। बट अभी के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप चेंज कराने की सोच रहे हो और आप ट्रैफिक में जैसे मेरी तरह बाइक यूज़ करते हो, लाइक आप ज़्यादा हाईवेज पर रन नहीं करते हो और सिटीज़ में ज़्यादा चलाते हो, जैसे ऑफिस वगैरह के लिए यूज़ करते हो, ज़्यादातर लोग ऐसे यूज़ करते हैं, तो आप अगर हैंडल से परेशान और चेंज करने के लिए सोच रहे हो ना, तो थोड़ा वेट कर लेना या थोड़ा और रिसर्च कर लेना या इस वीडियो के को रेफ़र कर लेना। क्योंकि अगर FZ 250 का लगवाना सोचोगे ना तो शायद थोड़ा आपको दिक्कत बाद में हो सकती है। सैटरडे की वजह से देखो रोड बिल्कुल खाली खाली हैं, ऑफिस वगैरह बंद रहते हैं गुड़गांव में ज़्यादातर। चलो एक दो चीज़ें और हैं, वो भी मैं शाम को एक बार वापस मिलूँगा ना, निकलूँगा ऑफिस से, अभी तो ऑफिस पहुँच गया हूँ और आज हमारे ऑफिस का ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, कल भी है। इधर ही लगा दूँ आज सैटरडे, तो इधर ही लग रही है बाइक, पहले अब वहाँ पे लगना चालू हो गई ना। अभी लुक तो भाई बढ़िया हो गया, हैंडल थोड़ा वाइड भी हो गया है, बट यही है कि इशू है। बाकी चलो दो तीन पॉइंट्स और हैं जो मेरे दिमाग में, जो आपके शायद इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं आपको शाम को बताऊंगा जब ऑफिस से निकलूँगा। सो भाई शाम हो चुकी है और वापस निकलते हैं अपने घर के लिए, और जैसा कि इसी वीडियो में वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ कि हैंडल चेंज कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, बट ओवरऑल जो कंक्लूजन मेरी साइड से है ना, मेरे हिसाब से FZ 250 का हैंडल इतना कंफर्ट नहीं है पल्सर N160 में, बिकॉज जो मेरे साथ इशू है भाई वो मैंने आपको बता दिया है कि मेरे अभी भी रिस्ट में, पाम में ना, सिर्फ इस हिस्से में, ये जो हिस्सा है ना इसमें दर्द होता है यार अभी भी। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है क्या नहीं है यहाँ से, या तो इस पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है या फोर्स ज़्यादा पड़ रहा है उस वजह से ये हो सकता है, बट रियल जो थिंग है ना वो मेरे को समझ में नहीं आ रही कि क्या और करना चाहिए इसके साथ, जो वो जो प्रॉब्लम है ना जो लग रही है वो सॉल्व हो जाए। अब उसे सॉल्व करने के लिए या तो बार बार हैंडल को चेंज करना पड़े, और फिर जब बेस्ट हैंडल फिट हो जाए ना, बेस्ट फिटिंग लगे और अच्छा कंफर्ट लगे, तभी फिर क्या कहते हैं उसको स्टेबल रखा जाए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, या तो वन बाय वन मुझे हैंडल्स की टेस्टिंग लेनी पड़ेगी लाइक अदर बाइक्स की, जैसे मैं सोच रहा था कि इसमें N150 का डलवाऊँ, तो पहले N150 को टेस्ट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका
जो ओवरऑल डिज़ाइन है ना बिल्कुल N160 की तरह है, तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली किस पोजीशन पे आपको यूज़ करना है, किस पोजीशन पे यूज़ नहीं करना। तो कोशिश करूँगा N150 की टेस्ट ड्राइव लेने की, और ट्रैफिक्स में उसको ऐसे ही चलाएंगे जैसे अपनी N160 को चला रहे हैं ना, तो उसका हैंडल का थोड़ा आइडिया लगेगा। और MT15 का भी सोच रहा हूँ, बाकी लोग डोमिनार और FZ से तो शायद खुश नहीं है। और एक ऑप्शन और है ड्यूक 200 BS6 का, उसका भी मेरे को समझ नहीं आएगा कि हाँ क्या लेना चाहिए। एक तो और बहुत कॉस्टली है वो हैंडल, और कॉस्ट तो ये भी पड़ी है भाई 1000 रुपये के आसपास पड़ी गया मुझे हैंडल बार फिटिंग वगैरह मिला के, और उतना मज़ा आया नहीं है जितना मज़ा मतलब जितना एक्सपेक्ट करना चाहिए था। बट पेन तो हो रहा है, तो जो जिस चीज़ के लिए हमने उसको चेंज कराया था ना वो तो सॉल्व हुआ नहीं है, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ को करवा के। तो बट अभी मैं हटवा नहीं रहा हूँ, बट एक ओवरव्यू देना था ताकि आप लोगों तक ये वीडियो जा सके। और अगर आप भी सोच रहे हो भाई अब से 250 का, आपने मेरी वीडियो देखी होगी क्योंकि मैंने जब चेंज करवाया था तब की वीडियो बनाई थी, और उसमें भी यही बोला था कि भाई मैं अभी टेस्ट लेके देखूंगा, रिव्यू करके देखूंगा, तब मेरे को पता चलेगा एग्जैक्ट। तो अब जाके मैं इस कंक्लूड कर रहा हूँ कि हाँ भाई अब से 250 का मत चेंज करवाना, तो वही बेटर है कि ना ही चेंज कराओ तो ठीक है, क्योंकि इतने पैसे भी खर्च करो और आप 100% सेटिस्फाइड ना हो पाओ तो फिर फ़ायदा क्या है उस चीज़ को करवा के। तो मेरे हिसाब से तो इतना कंफर्ट लेवल है नहीं इसमें, और क्या रीज़न है वो भी मैं बता नहीं सकता। बट आपको, आपने अगर भाई N160 में हैंडल चेंज करवा रखा हो ना, तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना कि कैसा ट्रैफिक में कैसा कंफर्ट है। मेरे को मेन है ट्रैफिक का, क्योंकि ट्रैफिक में कैसा कंफर्ट रहता है उस वो ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि हम ज़्यादातर ट्रैफिक में बाइक चलाते हैं। और यहाँ पर देखो अभी भी बारिश आई हुई होगी, तो रोड पूरा पूरा गीला पड़ा है। बरसात में तो भाई बाइक को साफ़ ही क्या करना, साफ़ करके चलाई थी, फिर से बारिश आ गई फिर गंदी हो गई, इसलिए अभी ज़्यादा साफ़ सफाई पे ध्यान दे नहीं रहा हूँ। अभी भी देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बारिश में खड़ी थी ना ऑफिस में, तो सब जगह गंदी गंदी सी हो रखी है। एक महीने की बात और है, ज़्यादा ज़्यादा एक महीना बारिश हो रहेगी, या मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट सेप्टेम्बर तो मान के चलो तब तक तो झेलना पड़ेगा ये गंदी ही। उसके बाद से तो भाई सर्दियाँ चालू, फिर उसके बाद तो अपना बाइक को क्लीन एंड नीट रखेंगे। और भाई एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि इसकी फ़िटिंग में इशू हुआ है नहीं हुआ। फ़िटिंग में तो कोई ऐसा मेजर इशू आया नहीं है, नॉर्मली इजी फिट हो गई। बस वो वीडियो मैंने दिखाया था, 2 होल एक्स्ट्रा करवाने पड़ेंगे आपको, और बाकी तो कोई इशू है नहीं। बस कम्फर्ट का थोड़ा इशू रहा है, क्योंकि जो प्रॉब्लम पहले थी वो अभी भी है, तो थोड़ा सा कम्फर्ट उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि बहुत एक बंदे ने बोला था भाई 250 का हैंडल अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। बट आई थिंक वो लॉन्ग राइड ज़्यादा करते हैं, तो उनका सबका राइडिंग पोस्चर अलग अलग होता है ना, तो कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। सोच रहा था कि भाई राइजर लगवा लूँ फिर से एक बार, फिर चेक कर लूँ, पर राइजर के लिए फिर वही दोबारा खोलो, उसमें लॉन्ग स्क्रू लगाओ, तो उसलिए ज़्यादा झंझट पालना नहीं चाह रहा था मैं राइजर के लिए। जब तक चला रहा हूँ इसको चलाऊँगा, उसके बाद तो भाई चेंज ही करूँगा, सीधा चेंज ही करना है, कोई राइजर नहीं। विदाउट राइजर भी तो बाइक लोग यूज़ करते हैं, अगर करना भी होगा ना तो एक साथ ही लगाऊंगा, जैसे जब एक बार में जाऊंगा ना तभी राइजर भी लगवा लूंगा, राइजर तो रखे ही अपने पास। मतलब भाई फास्ट स्पीड में तो इतना कुछ जज नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम ट्रैफिक्स में आते हैं ना वैसे जज होना शुरू हो जाता है। और जब जैसे रुके रहते हैं, और जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला सिस्टम है तो उसमें पहले गियर से ऊपर निकलती नहीं है गाड़ी, उसमें तो भाई मेरे से चलाई नहीं जाती, मेरे बहुत दर्द करता है। तो मतलब इस लेवल का नॉन कम्फर्ट है इस बाइक में, या कैसा है कह सकते हैं कि मेरे राइडिंग पोस्चर में ऐसा हो, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते भाई क्या इशू है क्या नहीं। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी कुछ था नहीं इस वीडियो में, और कुछ ज़्यादा है नहीं, रिव्यू देना था रिव्यू दे दिया है। कंफर्ट लेवल मतलब उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, पहले से थोड़ा सा ही बेटर है, थोड़ा सा मतलब 10%, बाकी पेन उतना बराबर अभी भी है।
तो भाई वीडियो को करता हूँ समाप्त। आई होप आप सभी को पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी हो तो वीडियो को कर देना भाई लाइक, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आती रहती है मेरे चैनल पे रिव्यू से रिलेटेड और बाइक मॉडिफिकेशन, मोटो ब्लॉगिंग, बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ मैं। ज़्यादातर तो बाइक रिव्यूज़ वगैरह करता हूँ, तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिस ना हो आपसे। मिलता हूँ किसी अच्छे मोटो ब्लॉग में, किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।